प्रदेश में सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। ऐसे में आउटसोर्स के तहत काम कर रहे कर्मचारियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया है। वहीं सरकार से मांग की है कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए जिससे उनका शोषण ना हो और उन्हें सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाले लाभ मिलते रहे। इसी मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और मांग की कि उनके लिए सरकार स्थायी नीति बनाए और 15 अप्रैल हिमाचल दिवस वाले दिन इसकी घोषणा करे। यूनियन के अध्यक्ष अनीता शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान 24 घंटे अपनी सेवाएं दी है और कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए हैं। ऐसे में सरकार उनका ध्यान रखे और आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के लिए नीति बनाकर 15 अप्रैल को उसकी घोषणा करे। मैं स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष अनीता शर्मा, आज जो है हमारे IGMC में एक आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो है हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुद्दा रहा जो हमारा कोविड का था टेंडर, वो 31 दिसंबर मार्च जो था वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है आगे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसी विषय में जो है आज हमने जो है स्वास्थ्य विभाग वालों ने जो है मंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का है धन्यवाद किया है कि उन्होंने जो है हमारे भविष्यों को सुरक्षित करते हुए 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया है और उसी के विषय में जो है आज हम उनका तहे दिल से पूरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हिमाचल के पूरे स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है भविष्यों को सुरक्षित किया और जो आगे भी है हम उन्हीं से यही मांग करते हैं कि हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मियों के और आउटसोर्स कर्मचारियों के जो है स्वास्थ्य के भविष्यों के लिए जो है एक स्थायी नीति जो लेकर के आए, यही हमारा जो है उनसे विनम्र अनुरोध है कि 15 अप्रैल को जो है वो स्वास्थ्य जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है एक सौगात के रूप में कोई तोहफा जरूर देंगे। तो इसी के लिए हम जो है सब उनका धन्यवाद करते हैं। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड सर यही है कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है लगभग 40,000 जो है इनकी संख्या आंकी गई है, इनके लिए जो है हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जो एक स्थायी नीति लाई जाए और जो है आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जाए जिससे कि हमारे पूरा परिवार भी सुरक्षित हो और हमारा कार्यकाल भी सुनिश्चित हो और हमें एक डर ना रहे कि जो हमारे भविष्य में कि हमारी नौकरी खोने का जो डर है वो जो है हमारे दिन प्रतिदिन बना रहता है। तो उसे जो हम सुरक्षा की कामना जो है अपने मुख्यमंत्री जी से अपनी सरकार से करते हैं कि वो एक स्थायी नीति जल्द से जल्द आए।